इस वक्त की बड़ी खबर, जनपद सुल्तानपुर से पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे और भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी के बीच हुआ मारपीट, वही थाना असलाह और मुकदमा हुआ दर्ज। कोटेदार महेंद्र मिश्रा के घर पर कार्यक्रम हुआ था और मारपीट पूर्व विधायक संतोष पांडे ने दी जान से मारने की धमकी। पंकज तिवारी के साथ रवि शंकर तिवारी की रिपोर्ट। महेंद्र मिश्रा जी के यहाँ नाती का जन्मोत्सव कार्यक्रम था, उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था और मेरी बिना जानकारी के वो विधायक संतोष पांडे जी भी आमंत्रित किए गए थे, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी। मैं बैठा था, 10 मिनट बाद वो भी आ गए, बच्चे का केक काटा गया जन्मदिवस के रूप में। बाद में मेरे पगल बैठ गए, उन्होंने कहा तुम्हारी गुंडई बहुत चल रही है, सुधर जाना है तो इसी जूते से मारूंगा तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैंने कहा विधायक जी कि मैंने क्या गलती की आप बताइए। बस इतने उतर गए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसके बाद इनके साथ जो लोग आए थे वो सारे लोग हमें बंदूक से सटा दिए, यहाँ तक हमारी मुंह में बंदूक की नली भी डाल दिए और कहा मैं सबको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको साले को दिमाग डालना है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव बीतने दीजिए, इसलिए इस लायक मैं हूँ, देवमड़िया भी इनको नहीं बचा पाएगा, जो हमारे सम्मानित विधायक जी हैं। और कहा बाबा की सरकार तो जाएगी, बाबा बचेंगे नहीं, सरकार मेरी आएगी, मैं सरकार रहे या ना रहे मेरी सरकार बने, लेकिन आपने थाने में दिया, मैं सरकार बने या ना बने मैं आपसे आप लोगों से निपटने लायक मेरी स्थिति है। इसकी तहरीर आपने थाने में दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तहरीर भी दिया हूँ, मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। क्या प्रकरण था जिसकी वजह से आपने पत्रकारों की मीटिंग बुलाई यहाँ पे, उस वार्ता के लिए आपने आमंत्रित किया? देखिए प्रकरण ये है कि जो भाजपा और भाजपा विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनको हुज्जत करने के लिए सपा के लोग अपने तरीके से, सपाई तरीका जिसको कहते हैं, भौकाली तरीका, बंदूक दिखा करके और चारों तरफ से उरई और जालौन और एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से और बंदूक की नली दिखा करके हयाक्रांत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे लम्हुआ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, यहाँ पर यह भय और भोकाल की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर संत सनातन और सुशासन की एक परंपरा है, उसी परंपरा में चलेंगे। और जो लोग अतीक अंसारी और आजम की नीत की तरह चलेंगे, उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही। एक ब्राह्मण के ऊपर हमला हुआ है, सपा विधायक ब्राह्मण समर्थन की बात कर रहे हैं। भाई देखिए ऐसा है कि अब वह लोग, जब सपा के लोग देख रहे हैं कि हताशा में तमाम जगहों पर सर्वे चला रहे हैं, आप लोग भी सर्वे बता रहे हैं, जब उनको बता रहे हैं कि सपा साफ है तो वह लोग हमारे खिलाफ हैं। जब लोग देख रहे हैं कि शांति और विकास को जनता पसंद कर रही है तो लोगों के पास हताशा के सिवा कुछ नहीं होता। अब ये अपने रिश्तेदारी में गए थे जयशंकर तिवारी जी, और यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तहसील मुख्यालय में हैं, सब लोग जिनके यहाँ विवाद होता है, ब्राह्मणों में भी, गैर ब्राह्मणों में, सर्व समाज में लोग बोलते हैं कि भैया आ जाइए, हम लोगों का आपस में सुलझा दीजिए मामला, भाई के भाई भाई का है, आपस में है। हम लोगों का ये है कि भाई हम लोग हटे में उंगली करने के बजाय रफू गरी में विश्वास करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों के फुल व्यू में 50 लोग 100 लोग जहाँ पर बच्चे का एक जन्मदिवस का कोई कार्यक्रम है, वैसे में बदतमीजी करना और चलना फिरना और धमकी देना और जान लेने पर उतारू होना, ये सब कोई मामूली बातें नहीं है, ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, वो माहौल खराब नहीं कर सकते। किसी भी कोई सपा सपाई, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, उसकी योगी सरकार मोदी सरकार के सामने चलने वाली नहीं है। उसका भाजपा का एक भी